जयपुर से आ रही इस वक्त की कोरोना ब्रेकिंग बड़ी खबर। प्रदेश में कोरोना के 14 और नए मामले सामने आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रदेश में कोरोना के कुल 22 मामले सामने आए हैं। और बात करें जयपुर में, आज कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। दौसा में 3, झुंझुनू में 5, डूंगरपुर में 2 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर और कोटा में भी कोरोना के 1-1 मामले सामने आए हैं। ईरान से लाए गए 2 और भारतीय भी कोरोना पॉजिटिव। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। चलिए हमारे संवाददाता लोकेश होला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अब ये 288 पर आ चुका है कोरोना पॉजिटिव का। जी बिल्कुल, कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश में 22 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और अब बढ़कर कोरोना की संख्या हो गई 288 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में हो चुके हैं। बात करें जयपुर में, तो जयपुर में पूरे 100 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। आज 8 नए कोरोना के मामले वो सामने आए हैं और अब तक जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर चिकित्सा विभाग और प्रशासन लगातार चिंता में अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज जो मामले आए हैं वो और चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। इसी तरह प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक जयपुर में 100 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। वहीं उसके बाद में भीलवाड़ा में 27 आ चुके हैं अब तक, झुंझुनू में 23 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। इस तरह से लगातार सभी जिलों में जो लोकेश, ये जो जयपुर में 8 कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं वो क्या रामगंज से ही संबंधित है या कहीं दूसरे एरिया से आए हैं? जी सर, देखिए बताना चाहूँ, जिस तरह से आज कोरोना के 8 नए मामले आए हैं वो अभी तक प्रारंभिक सूचना में मिल रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो जो आइसोलेट कर रखे थे उन्हीं के सैंपल जो जांच किए गए थे और उन्हीं की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, उनमें से 8 जो पॉजिटिव सामने आए हैं। ऐसे में लगातार जिस तरह से कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि अधिकतर जो कोरोना के जो पॉजिटिव जयपुर में अब तक मिले हैं उनमें रामगंज क्षेत्र के ही सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रदेश में कोरोना के कुल 22 मामले सामने आए हैं और 8 नए मामले और आए हैं जयपुर में। तो प्रदेश भर में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 288 तक पहुंच चुका है कोरोना से संक्रमित। तो एक चिंता का विषय है जरूर।